Hi guys, this is Meena here and welcome to my YouTube channel. आज मेरे साथ है My name is Sarah. और आज हम बात करेंगे Hi, इसका क्या नाम है? Pingu. Okay, आज हम बात करने वाले हैं sequence game के बारे में. सबसे पहले ये game आपको कैसी लगी Sarah? अच्छी पर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगी. That's true. ये game बहुत ही interesting है. Not only for kids, even for adults to play. तो आज हम बात करने वाले हैं इस गेम को किस तरह खेला जाता है, विच इज सीक्वेंस गेम. और ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम हम आपको ये भी बताएंगे ये गेम कितने की है और आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक, इस गेम में आपको ये कॉइन्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के. अगर आप टू प्लेयर्स खेल रहे हो तो आप अपने कॉइन्स पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कलर. तो सारा ने ब्लू कलर लिया है और मैंने ग्रीन कलर लिया है. इसके साथ में आपको दिया जाता है ये कैनवस. अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा कैनवस है जिसपे ताश के पत्ते बने हुए हैं और हर एक ताश का पत्ता दो बारी है. फॉर एग्जांपल, तीन ईट की यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ओके, नाइन हुक्म का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज ताश का हर पत्ता इस पूरे कैनवस में दो बार है, राइट? और इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आप दो लोगों में सात सात पत्ते बांट लेंगे. सेवन आपके सारा, सेवन मेरे. तो अब सबसे इस गेम को जीतने के लिए हमें एक सीक्वेंस बनानी होती है. सीक्वेंस कितने की सारा? पांच की. कैसे बनानी होती है आप बताओगे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल. कैनवस पे रख के बताओगे कैसे? हाँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. ऐसे वर्टिकल बन गई या आप इसको, ओके, आप वहाँ पे बनाओ. हॉरिजॉन्टल बना सकते हो या आप इसको डायगोनल भी बना सकते हो, पर आपकी कोई भी पांच की सीक्वेंस ऐसे बननी चाहिए. जिसकी पहले बन जाएगी वो ये गेम जीत जाएगा, राइट? और सारा इसका क्या कार्ड का क्या पर्पस है इस वाले का? इसका है कि आपको सिर्फ चार लगाने, उससे आपका पांच का सीक्वेंस बन जाएगा. कैसे सर, एक्सप्लेन करोगे? जैसे ऐसे, ऐसे और ऐसे. अगर आप देखें, ये कार्ड फ्री कार्ड है. अगर इसके साथ मिलके आप बनाएंगे तो आपका पांच का सीक्वेंस बन जाएगा. आप यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं, राइट? नाउ कमिंग बैक टू इसमें किस तरह खेलना होता है. अब जैसे कि अगर आप मेरे पत्ते देख रहे हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पत्ते हैं जो थोड़ा सीक्वेंस टाइप्स लग रहे हैं. मैं देखो, आठ और नौ पान का थोड़े पास पास में लग रहे हैं. इसको देख के मैं यहाँ भी सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर सकती हूँ या यहाँ भी. तो हर गेम में, हर बारी में मुझे एक कार्ड नीचे फेंकना होगा और उसकी जगह एक अपना कॉइन उठा के कहीं पे भी रखना होगा. बेसिकली कहीं पे मीन्स जो कार्ड मैं नीचे फेंकूंगी. ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे सीक्वेंस बनानी होगी. ऑल्सो जब मैं ये कार्ड एक नीचे फेंक दूंगी, उसकी जगह पे मुझे एक और पत्ता उठाना होगा ताकि हर टाइम पे मेरे पास सात पूरे कार्ड्स रहें. दैट इज हाउ वी प्ले दिस गेम. अनदर थिंग, अगर आप इस पूरे कैनवस में देखें, कहीं पे भी आपको गुलाम, दैट मीन्स जैक नहीं दिखेगा, राइट? जैक का क्या पर्पस है सारा इस गेम में, आप बताओगे? आई हैव दीज टू जैक्स. इन टू जैक्स का मतलब है, पहली बात तो एक में वन आई है, एक में दो आई है. हाँ, तो क्या है कि दो आई मतलब कि अगर आपके, मेरे में बताओ, आपके चार बन गए, अब दूसरा, अब उसको बनाना होगा, उस वो लगाएगा, तो वो क्या करेगा, इस पत्ते को चलेगा और अपना लगा देगा वहाँ पर, उसका बन जाएगा. बेसिकली टू आईड जैक्स आर वाइल्ड, दैट मींस दे आर अ वाइल्ड एंट्री. उसकी जगह पे आप कहीं पे भी अपना कॉइन रख के अपनी सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. तो जैक्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली दिस टू आईड जैक्स. कमिंग टू वन आईड जैक्स, इसका क्या पर्पस है? इसका है, जैसे मुझे दिख रहा है कि उनका चार बन रहा है, तो अब मुझे उनका तोड़ना है, तो मैं इसको चलूंगी और एक हटा दूंगी. एब्सोल्युटली राइट. सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वन आईड जैक्स रिमूव. आप अपने ओपोनेंट का कोई भी बनता हुआ सीक्वेंस में से एक कार्ड को निकाल के उसका सीक्वेंस तोड़ सकते हो. दैट इज द पर्पस ऑफ दीज. एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप गेम चल रहे हैं सात कार्ड्स होने ही चाहिए, राइट सर?
आई थिंक दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स, इस गेम को अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 मिनट्स लग जाते हैं खेलते हुए, तो हम खेल के नहीं दिखा रहे हैं। हाँ right? और एक और बात, जब भी आपने अपनी टर्न चली है पत्ता यहाँ पर रखे, तो आपको यहाँ से भी एक उठाना है हर टर्न के बाद। राइट, सो दैट्स अबाउट इट हाउ यू प्ले दिस गेम। काफ़ी मेमोरी रिलेटेड गेम भी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है, बिकॉज आप बेसिकली देखते हैं कहाँ पे पत्ता है और कहाँ पे दूसरे इंसान का बन रहा है। आपको ध्यान रखना होता है, अपना सीक्वेंस भी बनाना है, दूसरे का भी तोड़ना है, तो थोड़ा काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली फॉर किड्स इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, इवन फॉर एडल्ट, बहुत सारे मिक्स एंड मैच अलग अलग जगह पे कॉइन्स हो जाते हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू प्ले। राइट सारा, एंड हाउ मेनी पीपल कैन प्ले दिस गेम? मैक्सिमम फोर पीपल कैन प्ले दिस गेम, फोर। ओके, एंड फोर। नाउ कमिंग टू, अगर तीन प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं तो सिमिलरली हम एक इंसान रेड कॉइन ले लेगा। चार लोग कैसे खेलते हैं? ग्रीन वाले जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं? ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू है 50 और रेड वाले 36। राइट, तो मैक्सिमम चार लोग खेल सकते हैं। जब चार लोग खेलते हैं तो दो की टीम्स में खेलते हैं और ग्रीन और ब्लू कॉइन्स ले लेते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एज अ टीम खेलते हैं। एक ही चीज़ डिफरेंट है, जब आप एज अ टीम खेलते हो तो उस टाइम पे आपको दो पांच की सीक्वेंस बनानी होती है। राइट, एंड हूएवर मेक्स दैट फाइव का, टू फाइव का सीक्वेंस विंस इट। राइट सर, ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट सर। एनी रूल दैट आई हैव फॉरगॉटन? प्राइस। ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस गेम? 600। कहाँ से ली? अमेज़न। Amazon. We'll keep the link in the description below. और also अगर आप चाहते हैं हम इस गेम को पूरा खेल के दिखाएं, काफ़ी लंबी चलेगी वो वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको खेल के भी दिखा देंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।